अगर आप ऑन पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका बल्ब ऑन हो रहा है, अगर ऑफ पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका बल्ब ऑफ हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट हमें यहाँ पे काम करना है कि यहाँ पे हमें इंसर्ट में आ जाना है। इंसर्ट में क्लिप आर्ट से हमें बल्ब यहाँ पे सर्च करके एक बल्ब हमें यहाँ से डाउनलोड करके ले लेना है। तो उसके बाद इंसर्ट में ही आ जाते हैं, शेप में आ जाएंगे एंड यहाँ से हमें राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे हमें ड्रॉ करके ले लेना है एंड इसमें हमें लिखना है एज अ बल्ब। तो एडिट टेक्स्ट में आ जाते हैं एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं बल्ब एंड इसको कंट्रोल ऑल करके इसका साइज हम चेंज करके ले लेंगे, थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं साइज एंड इसका कलर चेंज करेंगे एज अ मरून कलर एंड उसको बोल्ड कर लेते हैं एंड थोड़ा शेडो भी उसको ऐड कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल जो हमने लिया है उसका कलर चेंज करना है। तो उसके लिए उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट शेप में आ जाते हैं, शेप फिल में आ जाएंगे एंड यहाँ से हमें करना है एज अ ग्रे कलर, यहाँ पे नो आउटलाइन कर लेते हैं। तो अभी हमारा बल्ब तैयार हो गया है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे ऑन एंड ऑफ के लिए दो यहाँ पे बटन ऐड करने हैं। तो उसके लिए अगेन हम इंसर्ट में आ जाएंगे, शेप से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं एंड कंप्लीट यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके ले लेंगे। उसके बाद शेप से ही एक लाइन ले लेते हैं, करेक्ट सेंटर में हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लास्ट तक नीचे तक लाइन ड्रॉ करके ले लेंगे। फॉर्मेट में आ जाते हैं, लाइन हमारी थोड़ी थिक चाहिए सो उसके लिए थिक लाइन यहाँ से ऐड कर लेते हैं, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिल शेप से नो फिल कर लेंगे एंड यहाँ से आउटलाइन से हमें उसकी विड्थ बनानी है। तो उसके आउटलाइन की विड्थ कर लेते हैं 2 1/4 एंड उसका कलर कर लेंगे एज अ ब्लैक। सो उसके बाद अगेन हम इंसर्ट में आ जाते हैं, शेप से एक रेक्टेंगल चूज कर लेंगे एंड यहाँ पे हमें बटन ड्रॉ करना है, ये ऑन का बटन हो जाएगा। तो उसके लिए डायरेक्टली इसका एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ पे साइड में ही उसको सेट कर लेते हैं ऑन एंड ऑफ बटन। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट पॉइंट्स में, एडिट टेक्स्ट में आ जाते हैं एंड यहाँ पे लिखेंगे ऑन एंड साइड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑफ। तो एडिट टेक्स्ट ऑफ। फॉर्मेट में आ जाएंगे एंड यहाँ से ड्रॉपडाउन से हमें यहाँ से ग्रीन कलर चूज कर लेना है फॉर ऑन बटन एंड यहाँ पे सिमिलर वे ड्रॉपडाउन से हमें मरून कलर या रेड कलर चूज कर लेना है फॉर ऑफ। सो फर्स्ट हमारी स्लाइड रेडी हो गई है। सो डायरेक्टली हमें यहाँ पे अभी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड इसकी डुप्लीकेट रेडी करके ले लेना है। सो अभी हम सेकेंड स्लाइड में आ जाते हैं। सो डायरेक्टली हमें इसका कॉपी कर लेना है। सो फर्स्ट हम उसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हमें इसका पेस्ट करना है एज अ पिक्चर। फर्स्ट हमें काम करते हैं कि इसका बल्ब का कलर चेंज करके ले लेंगे। तो उसको सिलेक्ट ही रख लेते हैं, यहाँ पे कलर्स में आ जाएंगे, आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो लेट से हम यहाँ पे अभी ग्रीन कलर इसका यूज कर लेते हैं एंड यहाँ से करेक्शन से उसको थोड़ा डार्क कर लेंगे एंड उसके बाद हम क्रॉप में आ जाते हैं। यहाँ से अभी हमें बल्ब को क्रॉप करना है, लाइन में क्लिक कर लेते हैं एंड करेक्टली इसको हमारे बल्ब के ऊपर सेट करके ले लेना है। हमें डायरेक्टली इसको अभी डुप्लीकेट और एक बनाना है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं एक डुप्लीकेट स्लाइड बना के ले रहा हूँ। सो थर्ड स्लाइड में अभी आ जाते हैं और जो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट बनाया है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट एंड उसको डिलीट कर लेंगे। सो उसके बाद अभी हमें सेकेंड स्लाइड पे फिर से आना है। यहाँ पे अभी जब बल्ब ऑन होगा तब हमें कुछ इस प्रकार से बल्ब शो होने वाला है। सो उसके लिए फर्स्ट तो हम ऑन को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंड इसका कलर हमें करना है डार्क ब्लू कलर एंड थर्ड स्लाइड पे यहाँ पे हमारा बल्ब ऑफ होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट फिल से इसको अभी मरून कलर कर लेते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमें इंसर्ट में आ जाना है। फर्स्ट हम ऑन को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे इंसर्ट से हमें आ जाना है हाइपरलिंक में, स्लाइड टू के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। सो अगेन स्लाइड टू में आ जाएंगे, यहाँ से हमें चूज करना है एज अ ऑफ, इंसर्ट में आ जाएंगे, इंसर्ट से हाइपरलिंक चूज कर लेते हैं एंड यहाँ से हमें थर्ड स्लाइड चूज कर लेनी है एंड यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यस फ्रेंड्स, तो अभी हमारा एनिमेशन कंप्लीट रेडी हो गए। सो अभी हम फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे एंड यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। सो अभी हमारा बल्ब ऑन हमें करना है। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बल्ब ऑन हो गया। अगर अभी हमें बल्ब ऑफ करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऑफ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, बल्ब ऑफ हो गया है। यहाँ पे हमारा देखिए कलर भी बटन का चेंज हो रहा है कि ऑफ पे हमने क्लिक किया तो ऑफ का बटन यहाँ पे डार्क ब्लू दिख रहा है। सो इसी प्रकार से आप भी एमएस पावर पॉइंट में बल्ब एनिमेशन रेडी कर सकते हैं। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।